यूपी में योगी युग की शुरुआत हो चुकी है और उनके आने के बाद लोग उनके काम करने के तरीके से काफी खुश हैं। यही नहीं, अब लोग नए सीएम के कामों की तुलना पुराने सीएम अखिलेश यादव के कामों से जोड़कर कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कई समानताएं भी हैं। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन्मतिथि 5 जून 1972 है, जबकि अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से उम्र में केवल 1 साल बड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने अपनी गोरखपुर सीट छोड़कर जहां उन्हें सांसद बनाया, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने अपनी सीट छोड़ दी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव और योगी में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों नेताओं को सत्ता विरासत में मिली हुई है। दोनों नेताओं में समानता है तो अंतर भी हैं। योगी गोरखपुर से जहां लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव केवल 1 बार सांसद चुने गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से अनुभव में काफ़ी सीनियर भी हैं। सियासी गलियारों में योगी की छवि जहां एक कट्टर हिंदू नेता की बनी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव अपनी छवि सर्व समुदाय की बनाने में जुटे हुए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जनता दरबार अखिलेश सरकार में भी चला था और अब योगी सरकार में भी चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि अखिलेश के जनता दरबार में जनता फर्श पर बैठी नजर आ रही है, वहीं योगी के जनता दरबार में वह खुद खड़े हैं और जनता बैठी है। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों के कामों में भी बड़ा अंतर है।